नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। अभिमन्यु क्षत्रिय सभा के द्वारा क्षत्रिय शक्ति महासम्मेलन आयोजित। समाज कल्याण में मुख्य भूमिका निभाने वाले पंकज तोमर क्षत्रिय गौरव सम्मान से हुए सम्मानित। अभिमन्यु क्षत्रिय सभा के द्वारा क्षत्रिय शक्ति महासम्मेलन एवं शस्त्र पूजन का आयोजन ग्राम परसौली हंसपुरम नौबस्ता में किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि सनातन प्रहरी श्री करौली शंकर महादेव महाराज एवं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जिलाध्यक्ष मनोज भदौरिया का स्वागत आयोजक एवं सभा अध्यक्ष पंकज तोमर के द्वारा माल्यार्पण कर अंग वस्त्र भेंट कर किया गया। अपने संबोधन में जिलाध्यक्ष मनोज भदौरिया ने कहा कि क्षत्रिय समाज के संगठन चाहे कितने भी हों, किंतु सभी क्षत्रिय एक हैं। उन्होंने खुले मंच से पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं हमेशा बड़े भाई का फर्ज निभाने को तैयार हूँ। अपने से छोटों को स्नेह तथा वरिष्ठों को सम्मान देना उनके संस्कार में है। वहीं दूसरी ओर मुख्य अतिथि सनातन प्रहरी श्री करौली शंकर महादेव महाराज ने कहा कि समाज को एकजुट करने का जो कार्य जिलाध्यक्ष मनोज भदौरिया कर रहे हैं वह सराहनीय है। कार्यक्रम में पहुंचे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा प्रदेश संगठन मंत्री पंकज राजावत ने कहा कि मानव सेवा परमो धर्म के आधार पर ही संगठन कार्य करे तथा युवा वर्ग भी समाज कल्याण में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। प्रदेश महामंत्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया ने अपने संबोधन में कहा कि निर्बल तथा निर्धन वर्ग के ननिहालों को बेहतर शिक्षा तथा वंचितों को अधिकार दिलाना ही उनकी पहली प्राथमिकता है। कार्यक्रम के दौरान जिला अध्यक्ष मनोज भदौरिया ने श्रेष्ठ कार्य करने तथा समाज कल्याण में मुख्य भूमिका निभाने के लिए अभिमन्यु क्षत्रिय सभा अध्यक्ष पंकज तोमर को क्षत्रिय गौरव सम्मान से सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्य रूप से धीरेन्द्र भदौरिया, पंकज राजावत, नवरंग सिंह सेंगर, राम अवतार भदौरिया, बलवान चंदेल, संदीप परिहार, लाखन सिंह, रमेश राजावत, नितिन चतुर्वेदी, विकास त्रिपाठी समेत काफी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे। हमारा नाम नहीं ले भदौरिया साहब, आपको भी और हमारे सामने मंच में बैठे हमारे बड़े भाई के स्वरूप में जो भी हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। वह अपनी बहनों और माताओं को भी नमन और प्रणाम या वंदन करते हुए और हमारे छोटे भाई के स्वरूप में जितने लोग हैं हम उनको हार्दिक प्यार करते हैं। क्षत्रिय महासभा के किसी भी नाम से हो, क्षत्रिय महासभा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि हमारी नियत और हमारे संगठन का मूल उद्देश्य क्या है। क्षत्रियों के हित में काम करना, क्षत्रियों के हित में तो काम करेगी ही करेगी इस महासभा। इसके अलावा आपको एक विशेष ध्यान रखना है, समाज में जो स्तर गिर रहा है उस स्तर को ऊंचा उठाना। हमें अपने आप को तो बचाना है, पूरी समाज की भी रक्षा करनी है। यह असली तकलीफ है और इस पर ही काम करना है और ये काम करने की जरूरत है। यदि भारत देश को बचाना है, अपने समाज को बचाना है, तो हम लोग संगठित होते हैं केवल क्षत्रिय संघ। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर हो गई आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।